हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं मुगा सिल्क के बारे में। तो डिटेल में जानेंगे कि गवर्नमेंट ने बेसिकली कुछ स्टेप्स लिए हैं इसके कंजर्वेशन के लिए। तो सिल्क इंडस्ट्री का कितना स्कोप है इंडिया में, क्या सिग्निफिकेंस है, किस तरीके से हम इसके चैलेंजेस फेस करते हैं और वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारा चैनल स्टडी आईक्यू। अगर आप किसी भी तरह के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे पेन ड्राइव एंड टैबलेट कोर्सेज अवेलेबल हैं। यूपीएससी सीएससी 2020 की तैयारी कर रहे हैं तो पेन ड्राइव कोर्स अवेलेबल है, जहाँ पे 100% कवरेज आपको यूपीएससी के वास्ट सिलेबस का मिलेगा। टॉप फैकल्टीज द्वारा ये कोर्स बनाया गया है और आप 625 रुपये में प्रति महीना आप इस कोर्स को ले सकते हैं। मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे मेरे वीडियो अपडेट्स के लिए, क्वेरीज के लिए, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ डिफरेंस। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं एग्जाम के लिए कैसे रेलेवेंट है। मेंस पेपर 3 जो है आपका ट्रांसपोर्ट एंड मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, वहाँ पे ये टॉपिक आपका कवर होता है। ऑब्जेक्टिव लेवल पे मुगा सिल्क, ये जो टाइप है सिल्क की, आपको पता होनी चाहिए और कौन सी टाइप्स हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे। सब्जेक्टिव लेवल पे किस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है इंडिया में सिल्क प्रोडक्शन का, सिग्निफिकेंस क्या है पूरी सिल्क इंडस्ट्री का, ये डिस्कस करेंगे। कॉन्टेक्स्ट, देखिए किस कॉन्टेक्स्ट में आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि इसकी कंजर्वेशन के लिए, संरक्षण के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्टेप्स लिए हैं। क्योंकि देखिए, सिल्क का जो पूरा कल्टीवेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, सेरिकल्चर, राइट? ये वर्ड याद रखिए, सेरिकल्चर बोलते हैं इसको। लेकिन जितने हम देख रहे हैं नई जनरेशन है इस काम में इतना इंटरेस्टेड नहीं है। तो क्या हो रहा है, जो सिल्क है इसका प्रोडक्शन कम हो रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो मुगा सिल्क है, नेचुरल हैबिटेट जो है इसका, जहाँ पे ये ओरिजिनली जिस सिल्क फॉर्म से बनती है, जिस तरीके से बनाई जाती है, इसको नेचुरल हैबिटेट में ही हम बूस्ट करें, इस तरह के इंसेंटिव्स दें कि वहाँ पे लोग इसको और ज़्यादा अपने लाइवलीहुड में, अपने काम में इसको लाएँ और प्रोडक्शन जो है मुगा सिल्क का वो इंक्रीज हो सके। तो कौन से एरिया हैं इसके नेचुरल हैबिटेट के, वो है आपका असम है, अरुणाचल प्रदेश है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बीटीसी जिसको बोलते हैं, और फिर है आपका मेघालय। ये चार जो एरिया हैं स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ ये मुगा सिल्क के लिए नेचुरल हैबिटेट माने जाते हैं। अब हम बात करेंगे मुगा सिल्क की। देखिए, मुगा सिल्क एक वेराइटी है वाइल्ड सिल्क की जोग्राफिकली। इसको जीआई टैग भी मिल रखा है, किसको, असम को, मुगा सिल्क का, ठीक है? ये आप याद रखिए, इसका जीआई टैग किसको मिला है, असम को मिला है। ये जो सिल्क है ये बहुत ही ज्यादा फेमस है इसकी ड्यूरेबिलिटी के लिए, कि बहुत ज्यादा देर तक चलती है। इसका नेचुरली एक येलोइश गोल्डन टिंट इसमें रहता है, शिमर रहती है, थोड़ा ग्लॉसी टेक्सचर रहता है इस पर्टिकुलर सिल्क का। तो देखिए, ब्रह्मपुत्रा वैली में जहां पे ये बनती है, जो इसका लार्वा होता है सिल्क वॉर्म का, ये असम सिल्क मॉथ जिसको हम बोलते हैं, वो किस पे फीड करता है, आपका एरोमेटिक सोम और सुआलू। तो इनके साइंटिफिक नेम्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं, उनके पत्तों पे ये फीड करता है, मैचलिस बॉम्बिसिना लिट्सी पॉलियंथा, ये इसके साइंटिफिक नेम है। ये आप याद भी रख सकते हैं और नहीं भी, बट आप ये याद रख सकते हैं, एरोमेटिक सोम और सुआलू जिसपे ये फीड करता है सिल्क मॉथ। जो मुगा सिल्क है इसको हम बाद में डाई भी कर सकते हैं, इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। पहले ब्लीच करेंगे कि जो उसका ओरिजिनल कलर है, जैसे मैंने बताया येलोइश गोल्डन टिंट रहता है, शिमर रहता है, ब्लीच करके उसका कलर हटा के हम उसको एक नया कलर भी दे सकते हैं। और ये जो सिल्क है इसको आप कहते हैं, जितनी बार आप धोओगे उतनी बार जो इसकी चमक है, लस्टर है, वो इंक्रीज होगा। और मुगा सिल्क असम में जैसे बाकी सिल्क्स हैं उसको हम सारीज के लिए यूज़ करते हैं, और उनका जो ट्रेडिशनल ड्रेस है आसमी, इसका मेखला चादर, उसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और मुगा सिल्क जो है इसको रिकॉग्नाइज किया था और प्रोटेक्ट किया था, जीआई टैग जो है इसका ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 2007 में दी गई थी, और जीआई लोगो जो है इसका ट्रेडमार्क पर्पस के लिए वो 2014 में दिया गया था। अब देखिए, इसको इसी के नेचुरल हैबिटेट में प्रोटेक्शन की बात की जा रही है, जो ISDP है और NERTPS। ISDP क्या है आपका, इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, नॉर्थ ईस्ट रीजन में है ये, ओके, नॉर्थ ईस्ट रीजन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और दूसरा है आपका किसका, ISDP किसके अंदर आता है, नॉर्थ ईस्ट रीजन टेक्सटाइल प्रमोशन स्कीम के अंदर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोजेक्ट जो है वो अप्रूव किया है कि मुगा को हम प्रोटेक्ट करेंगे, कंजर्व करेंगे उसके नेचुरल हैबिटेट में। तो फॉल ये जो एरियाज हैं यहाँ पे लिखे गए, इनमें ये स्कीम इंप्लीमेंट की जाएगी। तो आप देख सकते हैं कौन कौन से एरिया है, कार्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट जो है, कुकलोंग रिजर्व फॉरेस्ट है, मेबो रिजर्व फॉरेस्ट है, सब बागमारा रिजर्व है, राइट, ये मेघालय में है, ये अरुणाचल प्रदेश में है, ये आपका BTC में है, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल, राइट, और ये असम में है।
तो ये चार जगह में इसका नेचुरल हैबिटेट है जहाँ पे इसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। अब देखिए सिल्क प्रोडक्शन की इंडिया में क्या सिग्निफिकेंस है। तो भारत में ऑलमोस्ट 97% जो रॉ मलबरी सिल्क से प्रोड्यूस की जाती है। और ये जो आपकी रॉ मलबरी सिल्क है ये कहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है, 5 इंडियन स्टेट्स हैं आपकी, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर। ये डिस्ट्रीब्यूशन आप याद कर रख सकते हैं, आगे भी हम एक बार डिस्कस करेंगे। देखिए सिल्क की बहुत सारी कमर्शियल वेराइटीज़ जो आती हैं नॉर्थ ईस्ट में, स्पेशली जो सिल्क की वेराइटीज़ हैं वो है आपकी मुगा, एरी, तसर, राइट, ये तीन। और ये रीजन जो है आपका नॉर्थ ईस्ट इंडिया का, ये 21% कंट्रीब्यूट करता है टोटल सिल्क प्रोडक्शन की इंडिया में। और इमर्जिंग सिल्क प्रोड्यूसर तमिलनाडु भी है हमारी कंट्री में, जहाँ पे मलबरी कल्टीवेशन की जाती है। और देखिए इंडिया का क्या प्लान है कि हम सिल्क प्रोडक्शन को कैसे नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली इंक्रीज कर सकते हैं। अभी तो जैसे मुगा सिल्क के लिए कंजर्वेशन प्रोजेक्ट लेके आए हैं, तो डेफिनेटली आपको फंडिंग जो है गवर्नमेंट सोच रही है हम उसको इंक्रीज करेंगे। इवन की 2017 में भी 690 करोड़ जो है 24 डिस्ट्रिक्ट जो है नॉर्थ ईस्ट रीजन के उसको अप्रूव किया गया था। इम्प्लीमेंटेशन के लिए देखिए दो ब्रॉड कैटेगरीज हैं, इंटीग्रेटेड जो ISTP मैंने आपको बताया, इंटीग्रेटेड सेरिकल्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, अवेयरनेस जो है वो दी जाएगी लोगों को कि किस तरीके से सिल्कवर्म फार्मर्स अपनी ट्रेड को और इंक्रीज कर सकते हैं। तो अब देखिए इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा सिल्क का हम और देख लेते हैं, बिकॉज इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है नेचुरल सिल्क की, और फर्स्ट प्रोड्यूसर कौन है लार्जेस्ट, चाइना। और चाइना भी जो चारों वेराइटीज हैं सिल्क की वो प्रोड्यूस करता है। चार वेराइटीज कौन सी हैं सिल्क की, मलबरी, सार, ओक, सार और एरी, राइट, और उसके बाद मुगा। तो ये 5 वेराइटीज हो गई, बट इनमें से 4 चाइना में प्रोड्यूस होती हैं। और सिल्क के लिए तो इंडिया हमेशा ही फेमस रहा है, आपको पता है पुराने मिडिवल टाइम में सिल्क रूट भी इंडिया से होके गुजरता था। तो देखिए कर्नाटका में इसके मेजर सेंटर्स यहाँ पे दे रखे हैं, मैसूर, बैंगलोर, तोतबलापुर। तमिलनाडु के मेजर सेंटर्स दिए हैं, आंध्र प्रदेश के, बिहार के और वेस्ट बंगाल। ये आपका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है सिल्क का इंडिया में। अब सेरिकल्चर यानी ये जो कल्टीवेशन है सिल्क वॉर्म्स की जो हम करते हैं, जिससे फिर सिल्क प्रोड्यूस की जाती है, उसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। और उससे पहले देखिए मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन इंडियन सिल्क के क्या है, USA, UAE और उसके बाद UK, फ्रांस, इटली, जर्मनी, जहाँ पे नेचुरल सिल्क यॉन्स फैब्रिक्स जो हैं वो भेजे जाते हैं, रेडीमेड गारमेंट जो है एक्सपोर्ट किए जाते हैं। देखिए अच्छी बात क्या है सेरिकल्चर के बारे में कि लो जेस्टेशन पीरियड है, जल्दी प्रोड्यूस हो सकती है और हाई रिटर्न्स हैं। 5 क्रॉप्स आप कह सकते हैं एक साल में अंडर ट्रॉपिकल कंडीशंस इसके हम ले सकते हैं। विमेन फ्रेंडली ऑक्यूपेशन है, महिलाएं अच्छे से यहाँ पे काम कर सकती हैं। 60% जो वर्कफोर्स है सेरिकल्चर में वो महिलाएं हैं। वीकर सेक्शंस जो है सोसाइटी के लिए उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनको कम पैसा इन्वेस्ट करना है और रिटर्न्स मिलेंगे। इको फ्रेंडली एक्टिविटी भी है, क्योंकि देखिए जैसे मलबरी जो है वो कंट्रीब्यूट करता है सॉइल कंजर्वेशन में और ग्रीन कवर इंक्रीज करने में भी मदद करता है। और जो वेस्ट है सिल्क वॉर्म का उसको भी रेयर करके हम रिसाइकल कर सकते हैं गार्डन में। लेबर इंटेंसिव भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसमें चाहिए, तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होती है, हाई इनकम जनरेटिंग भी है, और इससे हम फॉरेन एक्सचेंज भी ला रहे हैं हमारे देश में। ये तो अच्छी बात थी, लेकिन अभी चैलेंज क्यों है, इसलिए गवर्नमेंट को ये स्टेप्स लेने पड़ रहे हैं कंजर्वेशन के, क्योंकि इसकी एक्सपोर्ट अर्निंग्स हमारी बहुत कम रहती हैं, क्योंकि कई बार आपका ग्लोबल रिसेशन चल रहा है या रिड्यूस्ड डिमांड है वेस्टर्न कंट्रीज में सिल्क गुड्स की, राइट, तो अर्निंग्स हमारी बहुत कम हो जाती हैं। और ऊपर से पावर लूम और हैंड लूम का प्रॉब्लम है। हैंड लूम में सारा आपका मैनुअल काम रहेगा सिल्क का, पावर लूम में आप इलेक्ट्रिसिटी या कोई टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं जिससे जल्दी प्रोड्यूस हो रही है। तो बहुत सारे लोग पावर लूम से सिल्क प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन बोलते नहीं हमने हैंड लूम से प्रोड्यूस किया है और उसको चीप प्राइजेस में बेच देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली जो हैंड लूम का सिल्क है वो बहुत ज़्यादा उसकी प्राइजेस बहुत हाई होंगे। तो एक वर्कर है उसने जो सिल्क बनाई है वो हैंड लूम से बनाई है, मैनुअली बनाई है। एक दूसरा वर्कर है जिसने उसको पावर लूम से बनाई है, राइट, लेकिन ये पावर लूम से बनी है, ये हैंड लूम से बनी है, लेकिन ये इंसान इसको पावर लूम से बना के लेकिन झूठ बोल रहा है कि मैंने हैंड लूम से बनाई है। तो अगर इसका प्राइस सपोज 800 रुपये है और इसका प्राइस उसने 300 रुपये में बन गया है, तो उसको वो हैंड लूम के नाम पे चीप प्राइस में बेचेगा। तो ये अब उसको जिसने हैंडलूम से बनाया उसको कम प्राइस पे तो नहीं बेच पाएगा। तो इस तरह के जो सिल्क फार्मर्स हैं उनको बहुत नुकसान हो जाता है जो हैंडलूम से बनाते हैं। तो सब लोग पावर लूम की तरफ जाते हैं और हैंडलूम का जो हमारा ये पूरा बिजनेस है ये एक तरह से ठप हो रहा है, खत्म हो रहा है। गवर्नमेंट भी जैसे पीस मील अप्रोच
इसमें अपनाती है, बैन कर देती है फॉरेन सिल्क को, लैक ऑफ इंटीग्रेटेड मार्केट है, इनएडिक्वेट कम नॉलेज है सेरिकल्चर के बारे में ट्रेडर्स को, राइट. तो ये चीज़ें भी ज़्यादा हेल्प नहीं करती, एक चैलेंज की तरह हमारे सामने आती हैं. और एरिया जहाँ पे ये कल्टीवेट किया जाता है उसको भी कम कर रहे हैं लोग, क्योंकि अर्बनाइजेशन हो रही है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, तो एग्रीकल्चरल लेबर की हमारे पास बहुत शॉर्टेज है. तो देखिए इस चीज़ में वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है. एक वे फॉरवर्ड तो आपके सामने ही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिसेंटली ये प्रोजेक्ट जो कंजर्वेशन के लिए मुगा सिल्क के लिए कि नेचुरल हैबिटेट में उसको कंजर्व करना है, ये लॉन्च किया है. तो ऑब्वियसली नॉन ट्रेडिशनल यूजेस, क्योंकि हमको एक तरह से जो डिमांड है सिल्क की उसको इंक्रीज़ करवाना है. डिमांड इंक्रीज़ होगी तभी लोग इसको प्रोड्यूस करेंगे. तो हमने देखना है सिल्क को हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं. ट्रेडिशनल यूजेस कपड़े, नॉन ट्रेडिशनल यूजेस में जैसे आर्टिफिशियल स्किन के तौर पे इसको हम यूज़ कर सकते हैं. और भी मेडिकल एप्लीकेशंस हो सकती हैं जो कि पॉजिटिव प्रेशर इसकी वैल्यू एडिशन में ला सकती हैं. प्रोटेक्ट करना है हमने इंडियन सिल्क मार्केट को, हैंडलूम को प्रमोट करना है, सिल्क अपग्रेडेशन भी करना है, और कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजीज लाके लोगों को इसमें एम्प्लॉयमेंट भी देना है. ये वे फॉरवर्ड है, तभी हम सिल्क इंडस्ट्री को सेव कर पाएंगे हमारे देश में, राइट. और आप क्या सोचते हैं किस तरह से हम सिल्क इंडस्ट्री को बूस्ट कर सकते हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं. तो आपके लिए सवाल है कि कौन कौन सी वेराइटीज़ आप जानते हैं सिल्क की, और वो कहाँ कहाँ प्रोड्यूस होती हैं, किस किस स्टेट में, वो भी आप लिख सकते हैं. तो यही था हमारा आज का लेक्चर. आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं ईमेल, इंस्टाग्राम पे. थैंक यू.